आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 16 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय ने अपना कितने नंबर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। तो इनका सही आंसर है 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का एकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर में स्थित है और इस साल 11 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस 50 साल पूरे हो जाएंगे। संग्रहालय की 50वीं वर्षगांठ पर नए भवन के सौगात मिलने की उम्मीद है। मुख्यालय से नए भवन को हरी झंडा मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ज्ञात हो कि बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव किया जाएगा। इनका सही आंसर है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में छत्तीसगढ़ में उपचुनाव किया जाएगा। ध्यान देंगे, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाला जाएगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा कांगले हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न है, देश में सबसे कम फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट कौन बना है। तो इनका सही आंसर है रायपुर आईआईटी ने सबसे कम फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट बना है। चलिए आगे देखते हैं, यह 50 एकड़ में ट्रिपल आईआईटी फैला है, देश के सबसे बड़े संस्थान है। संस्थान के विकास में 110 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर है नारायणपुर जिला को नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 14 स्थान मिला है। आगे है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में बेहतरीन कार्य करने के लिए नारायणपुर जिले को देश में 14 स्थान मिला है। देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल घोर नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले को दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा श्रेणी में आधार पर जारी मानसिक डेटा रैंकिंग में नारायणपुर जिला को 4थे स्थान पर मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को ओवरऑल परफॉर्मेंस 5वें स्थान पर, स्वास्थ्य और पोषण पर दूसरे स्थान पर, शिक्षा के क्षेत्र में 4थे स्थान मिला है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया जाएगा। इनका सही आंसर है कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, ध्यान देंगे, स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। IFFI का 53वां संस्करण 20 से आयोजित किया जाएगा। यूनिसेफ द्वारा सुझाए गए बच्चों के लिए फिल्म पैकेज को इस साल IFFI में पहली बार पेश किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। इनका सही आंसर है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बातें, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। शिखर सम्मेलन के दौरान
G20 नेता एक साथ ठीक हो मजबूत हो की थीम के साथ वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये खाद्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 के अध्यक्षता PM मोदी को सौंपेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुग्घर पढ़वैया और लइका मन के गोट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इनका सही आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में सुग्घर पढ़वैया और लइका मन के गोट पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगाया जा रहा है? इनका सही आंसर है देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज क्षमता प्लांट छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगे। देश भर में कहीं पर भी इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। यह देश का पहला प्लांट है। यहाँ तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया है। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उपचारित कुल हितग्राही 58% महिलाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमने आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ देश का कितने नंबर का राज्य है जहां आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? इनका सही आंसर है 6वां नंबर का राज्य है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बलियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।